एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं पूजा भंडारी आप सबका स्वागत करती हूँ योग नगरी ऋषिकेश से। मनन का आज है पेपर, तो मनन चले गया स्कूल। उसके लिए मैंने बनाया था आलू का पराठा, जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी क्योंकि देर हो रही थी, तो टाइम से हमने उसे स्कूल भी भेज दिया है। अभी मेरे रूम ऐसा ही फैला हुआ है। सबसे पहले मैं हस्बैंड को नाश्ता बना देती हूँ। आज मैं बना रही हूँ पहाड़ी स्टाइल में प्याज की पटोड़ी, जो चीला होता है जिस प्रकार का वैसे ही बनता है वो। जैसे हम डिफरेंट प्रकार के चीला बनाते हैं वैसे ही हम प्याज के पत्तों से बनाते हैं, लेकिन हम उसे बोलते हैं गढ़वाली भाषा में पटोड़ी। वो बना रही थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो चलो फटाफट से चलते हैं किचन में। चुकी हूँ अपने किचन में। ये मैंने पराठे बनाए थे सुबह मनन के लिए, अभी हस्बैंड के लिए भी बनाऊंगी। माइक न होने से आवाज़ थोड़ा कम आती है, जल्दी ही लूँगी, अभी तो बजट से बाहर है। तो ये देखिए, ये मेरी दीदी मेरे लिए लाई थी लहसुन के पत्ते, और ये प्याज भी दीदी लेके आई थी, अभी बाकी है वहाँ पे रखे हैं मैंने नीचे। और उसमें एक बीन्स भी होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हम मशरूम चढ़ा बोलते हैं, पता नहीं बीन्स ही टाइप के हैं वो, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। और मैंने बनाई थी जो पुदीने की चटनी, तो ये है, यहीं पे रखा है क्योंकि टाइम नहीं लगा। तो ये देखिए मेथी भी ख़राब होने वाली है, तो आज बना लूँगी मैं से। तो यहाँ पे ये मैंने प्याज कट कर दिए हैं, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। अब फटाफट से हम इसमें मिक्सर करेंगे। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ, से नीचे दिख नहीं रहा है। इसमें मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी, बहुत टेस्टी होती है, इसको मिलाने से खाना बहुत टेस्टी बन जाता है। जल्दी मैं जैसे बता रही थी किचन वाली वीडियो लेके आऊँगी। अभी और सामान मैंने ऑनलाइन मंगवाना है, तो तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक। यहाँ पे किचन में धूप आती है बाहर से, तो पता नहीं कैसा दिख रहा है। तो हमने इसमें डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें हम डाल देंगे अपने मिक्स मसाले, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा मिर्ची हो रही है इनमें, तो मिक्स मसाले भी हम इसमें डाल देंगे। इसमें आपको सारे मसाले मिल जाएंगे, जैसे खड़े मसाले और गरम मसाले, सारा इसमें मिक्सर है उसका, हम ज़्यादा करके यही यूज करते हैं। तो ये हो चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे आटा और बेसन। तो मैं ये आटा मिला देती हूँ, जितना भी इसमें बचा हुआ है आटा मैंने मिला दिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे बेसन, क्योंकि आटे से थोड़ा अच्छे बनते हैं, तो मैं इसलिए आटा भी मिला रही हूँ उसमें। अगर आपके पास बेसन नहीं है जब आप बना रहे हो, तो आप उसमें सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें मिला देंगे बेसन, अच्छे बनने चाहिए क्योंकि नॉन स्टील तवे में वो चिपकते नहीं है नीचे, पर इसमें तो जो सिंपल तवा रहता है उसमें तो चिपक जाते हैं। पर लेकिन हमारी दादी मम्मी लोग ऐसे ही बनाते थे, मेरी सासू माँ भी ऐसे ही बनाती है, तो उनके तो नहीं चिपकते हैं, तो हमारे कैसे चिपक जाएंगे। तो हम भी ट्राई करेंगे। वैसे तो एक दो बार बनाया है मैंने यहाँ पे, लेकिन आज कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो देखते हैं कि कैसे बनते हैं। पानी ले लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लोगों ने पूछा है हमें, मुझे, कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, और मनन की क्या पढ़ाई करता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, मैं उस पर जल्दी ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और अभी मनन के चैनल पे भी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, 1 हफ्ता हो गया है, तो
जल्दी उस पर भी वीडियो आएगी। उसका चैनल है मनन भंडारी। पहले उसका पहले मैंने उसका नाम पहले रखा था उसका नाम लेट्स लर्न विद मनन भंडारी, अभी मैंने चेंज कर लिया। सोच रही हूँ कि फिर से वही कर दूँ क्योंकि ठीक लग रहा था वो, अब मनन भंडारी कर रहा है मैंने अभी। तो कल के दिन वो खुद बना लेगा उस पर वीडियो, अभी तो मैं ही बना लेती हूँ उसके साथ। कुछ कुछ आइडिया उससे उसके रहते हैं कि मम्मी ऐसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं, और हमें बहुत सारे चैलेंज करते रहते हैं हम उसमें। तो बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो उसमें देखने को मिलेगी। प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग मनन भंडारी सर्च करोगे तो सर्च में आ जाएगा। 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और उसी खुशी में हम जल्दी ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वहाँ भी क्वेश्चन आ रहे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपकी कितनी पेमेंट आई है। तो मैं सारा उसमें क्लियर करूँगी कि कितनी पेमेंट आई, क्या है और कब पेमेंट आती है, सारी बातें मैं वहीं पर करूँगी। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, और हमारा बैटर हो चुका है तैयार। इसी से हम बनाएंगे अपनी पकौड़ियाँ। अब मैं फोन का रुख मोड़ लेती हूँ अपने तवे की साइड। तो ये देखिए यहाँ पे तवा मैंने रख दिया है। अब मैं इसको गर्म करने रखूँगी, और उसके लिए मैंने पानी भी रखा है। जब हम बनाएंगे तो उसके ऊपर से ऐसे पानी रखेंगे। तवा गर्म होने लग गया है, पता नहीं बाहर से शोर भी आ रहा होगा, पता नहीं कितनी आवाज़ आ पा रही है आप लोगों के पास, क्योंकि रोड साइड मकान है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। हाँ, उसमें एक क्वेश्चन भी था कि आप रेंट में रहते हो कि अपना मकान है, उसका आंसर भी मैं उसी वीडियो पे दूंगी। क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी आपके पास। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम हो गए मेरे चैनल पे। पता नहीं वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो गई, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे तेल। और गैस को कम कर लेंगे क्योंकि जलना नहीं चाहिए। हाथों से ही हम इसे डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम इसे, देखते हैं कैसे बनते हैं। और पानी से हम इसे हल्के हल्के ऐसे फैला देंगे। किनारों से उठाएंगे चिपक ना जाए। ये देखिए अच्छे से बनके तैयार हो गया है। मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, पता नहीं कैसे बनेंगे, बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा, लेकिन बहुत अच्छे से ये बन चुका है। अब इधर से भी हम तेल डालेंगे दूसरी साइड, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा अच्छे से पकाएंगे इसे, कच्चा नहीं बनना चाहिए। पहली बार कैमरे के सामने बना रही हूँ, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे बने थे। यहाँ से भी हम तेल लगा देंगे और गैस को थोड़ा हाई कर लेंगे, क्योंकि मैंने गैस लो किया था तो उसे हाई कर लेंगे। और इसको ऐसे पलटा देंगे, कुछ ही सेकंड में बन जाएगा। गैस को कम कर लेंगे और इसे हम निकाल लेंगे। देखिए यह प्लेट में निकाल देते हैं, मनन की प्लेट है ये देखिए। तो आप इसे बच्चों को सॉस के साथ और बड़ों को चटनी के साथ परोस सकते हैं, और दही
वगैरह भी आप इसमें दे सकते हैं। तो ऐसे ही करके हम दूसरा चीला भी बना लेंगे। फिर से हम ऐसे अच्छे से बन गए, बहुत ही टेस्टी। गैस को फिर से हम गैस की लो को बढ़ा देंगे और फिर से यहाँ से हल्के हल्के करके तेल डाल देंगे। बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाएंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको। थोड़ा अच्छे से पकाएंगे हम इसे। देखिए जो मैंने पहले बनाया था अच्छे से बना है। दो चीले मेरे बन गए हैं, पता नहीं हस्बैंड कहीं चले गए हैं शायद, तो मैं खुद ही टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे बने हैं। आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं, मुझे ऐसे ही पसंद है, मुझे ना चटनी चाहिए ना दही चाहिए, तो मैं टेस्ट करके बता रही हूँ कि कैसे बने हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं, पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ कैमरे के सामने, वैसे मैंने बनाए हैं लेकिन सच में बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी बने हैं। पहले खा लेती हूँ, इतने टेस्टी हो रहे हैं कि पता नहीं मन कर रहा कि पूरे सारे सर फटाफट से खा लूं। अब मैं अपने लिए भी दो बनाऊंगी, पहले मैं एक सोच रही थी लेकिन अब मैं दो बनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी या पहाड़ी स्टाइल से कैसे चीला बनाते हैं वो पसंद आया होगा, पटोरे कैसे बनाते हैं हम लोग प्याज की, आपको ये पहाड़ी स्टाइल चीला कैसा लगा, प्याज की पटोरी, प्याज का चीला बोल सकते हैं इसे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी ऑन कर लेना जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।